not required. कौन? राहुल आज नहीं आया, पहले ऑनलाइन आ गए, अभी तक नहीं। ठीक, अबे भाई तुम ये अपनी क्लास चेंज करवा लो यार, सारी क्लासेस तो मिस कर जाओगे ऐसे ही। उसका क्लैश नहीं है, वो बेचारा जल्दी जाता है अपनी क्लास लेने के लिए, तुम्हारा क्लैश होता है। चलो अभी देखो, मैं जल्दी जल्दी जो चीज़ें बता रहा हूँ वो तो देखो। सर सबसे पहली चीज़ तो ये ऑन कर दो इसको, बाकी सब ऑन है। सर सबसे पहली कहानी तो ये, अली मेरी आवाज़ आ रही है? अली आवाज़ आ रही है? नहीं, रजिस्टर्ड। अली, अली फैसल मेरी आवाज़ आ रही है? उमर मेरी आवाज़ आ रही है? डन। अच्छा मेरा लाइक जो मैं आपको जिससे पार्टिसिपेंट देखता हूँ ना, वो चीज़ थोड़ा सा मसले में। अगर आपको कोई कोई क्वेश्चन हो तो आप माइक खोल के बोलिएगा, ठीक है? मैंने आपका माइक जो है ना वो ओपन छोड़ा हुआ है इसीलिए, ताकि आप उसमें कोई बात कर सकें। चलें जी, अब मैं आपको पास पेपर का एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। हम दो तीन दिन ज़रा ना सोल ट्रेडर के क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, के इज अ रिटेलर, द फॉलोइंग बैलेंसेज हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स एट 31 जनवरी 2012। क्वेश्चन में आपके पास वैल्यू गिवन है एडवर्टाइजिंग की, एडवर्टाइजिंग इज एन एक्सपेंस। अब आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ये पास पेपर है। अच्छा पास पेपर का ईयर कौन सा है लिख लो, मेंशन कर लो। मई जून 2022 पेपर 21, मई जून 2022। हेलो, साथ साथ मई जून 2022 पेपर 21। पेपर 21 के अंदर सर आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। अब सर सुनते जाइएगा। सर सबसे पहले हमारे पास गिवन है 4900, फिर हमारे पास गिवन है सर कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज इनवर्ड्स को हम परचेजेस में लिखेंगे, फिर हमारे पास गिवन है सर कैरेज आउटवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएगा, फिर हमारे पास फर्नीचर एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट गिवन है, फिर हमारे पास सर फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन है, फिर हमारे पास सर जनरल एक्सपेंसेस गिवन है, जनरल एक्सपेंसेस की वैल्यू गिवन है 13,450, इन्वेंट्री एट 1 फरवरी 2021 गिवन है आपके पास 12,310, इररिकवरेबल डेट्स गिवन है आपके पास कितने के 670 के, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ डिलीवरी व्हीकल क्वेश्चन में ही गिवन है, लॉस लिखा हुआ है तो एक्सपेंस है। फिर सर आगे आपके पास गिवन है प्रेमिसेस एट कॉस्ट, फिर आपके पास गिवन है सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एट 1 फरवरी 2021, फिर आपके पास सर वैल्यू गिवन है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो गिवन है 840। अगर ये गिवन है तो इसका मतलब है आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें से कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। फिर सर आपके पास क्वेश्चन में गिवन है परचेजेस, फिर गिवन है आपके पास रेंट रिसीवेबल। अब जवाब दीजिए सर, क्वेश्चन में अगर आपके पास रेंट रिसीवेबल गिवन हो तो रेंट रिसीवेबल आपके लिए क्या होता है, एक्सपेंस या इनकम? इनकम। फिर सर आगे चेक करें, सर आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, रिसीवेबल्स के बाद आपके पास सर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे गिवन है रेवेन्यू, और रेवेन्यू के बाद आपके पास क्वेश्चन में गिवन है ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स के बाद गिवन है आपके पास वेजेस एंड सैलरीज। फिर आप आ जाएं सर यहाँ पे लिखा है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल, ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल एट 31 जनवरी 2022। सबसे पहले आपके पास वैल्यू गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज वैल्यूड एट 13,480, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है, सही है सर। नो रिकॉर्ड हैड बीन मेड ऑफ गुड्स टेकन फॉर हर फॉर द लाइक फॉर ओन यूज बाय हिम, इसका मतलब है सर ये वो वाली एंट्री है जिसमें ड्रॉइंग्स को आप क्या कर देंगे सर डेबिट, और परचेजेस को आप क्या कर देंगे सर क्रेडिट। अब सर यहाँ आ जाते हैं पीछे, सबसे पहले परचेजेस ढूंढते हैं सर, परचेजेस की एडजस्टमेंट है, ठीक है? क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन में ऊपर से नीचे तक चेक कर लीजिए, आपके पास ड्रॉइंग्स नाम की कोई चीज़ नहीं, हो सकता है बैलेंस शीट मांगी ना रहा, लग भी रहा है क्वेश्चन से बैलेंस शीट नहीं मांगेगा। सर लिखा हुआ है इनरिकवरेबल डेट ऑफ 380 इज टू बी रिटर्न ऑफ, ऑलरेडी एक रिटर्न ऑफ बैड डेट ऊपर था, एक और रिकवरेबल डेट था 670 का, अब क्वेश्चन कह रहा है एक और हो गया है, तो इसका मतलब है आप ऊपर जाएंगे इररिकवरेबल डेट के अंदर आपकी जो वैल्यू गिवन है 670 उसके अंदर कितनी वैल्यू को प्लस कर देंगे, वैल्यू को प्लस कर देंगे सर आप इसके अंदर 380 को, इसका आंसर आएगा आपका। उसके बाद बढ़िया आगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स। अब सुने तो ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है 15,580। अब ये जो 15,580 आपके पास वैल्यू है, इसमें से आप पहले 380 को क्या कर देंगे, माइनस,
सर वो जो पुराने रिकवरेबल डेट थे उनको क्यों नहीं माइनस किया, वो ऑलरेडी माइनस है सर। इसको माइनस करेंगे तो जवाब में सर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 15,200। आई बिलीव आई एम राइट, 15,200। 15,200 का सर कितने परसेंट निकाल लेंगे, 5%। सर आंसर निकालिए क्या आ रहा है, सर इसका आंसर आ गया आपके पास 760। तो 760 अब मेरा क्या हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब जरा जवाब दीजिए, प्रोविजन आपके पास गिवन कितने का है, प्रोविजन आपके पास गिवन कितने का है, वो 840 का। तो प्रोविजन अगर 840 का है और आपका प्रोविजन, मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर आपका प्रोविजन 840 का है और वो अब 760 हो गया है, तो वो इंक्रीज हो गया है डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया। अगर ओपनिंग वैल्यू 840 है और क्लोजिंग वैल्यू 760 आ रही है, तो जवाब दीजिए इंक्रीज हो गया है डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया। कितने से डिक्रीज हुआ है, 80 से। तो उसका मतलब है आपका जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो डिक्रीज हो रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है सर वो डिक्रीज हो रहा है कितने से, वो डिक्रीज हो रहा है बाय 80। आ गई बात समझ में, आगे देखते हैं सर। क्वेश्चन में लिखा है एडवर्टाइजिंग इंक्लूड्स अ पेमेंट ऑफ 3,250 फॉर कैंपेन विच विल लास्ट फ्रॉम 31 दिसंबर टू 30 अप्रैल। अच्छा आपका ईयर जो एंड हो रहा है ना वो 31 जनवरी को एंड हो रहा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन में देखें लिखा हुआ एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स इंक्लूड अ पेमेंट, आपने एक पेमेंट कर दी है जो अप्रैल तक जाएगी, कब से, दिसंबर से अप्रैल। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, हाउ मेनी मंथ्स, 5 मंथ्स। 5 मंथ्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं आके लिखूंगा 3,250, डिवाइड कर दूंगा सर मैं उसको कितनी से, डिवाइड कर दूंगा सर मैं उसको 5 मंथ्स से। सर जवाब दीजिए आंसर कितना आ गया, 650। अब मेरी बात सुने कब, हाँ इसका मतलब है फरवरी और मार्च आपका प्रीपेड है, तो फरवरी और मार्च प्रीपेड है, तो 650 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आपके पास आ जाएगा 1100। तो जो भी आपका एक्सपेंस है उसमें से आप 1100 को निकाल, 1200, 1300, इसका आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1300। अप्रैल तक है, फेब मार्च, हाँ 3 महीने ना भाई, 3 महीने, सॉरी 3 महीने अरे, क्योंकि वजह ये फेब मार्च और फिर अप्रैल तक है, 3 महीने। सर आंसर निकालें इसका क्या आ रहा है, 1850। लेकिन 1950 तो प्रीपेड है, इस वैल्यू को आप ले जाके ऊपर जो आपके पास वैल्यू गिवन है एडवर्टाइजिंग की सबसे ऊपर वाली, उसके ऊपर से सर 1950 को क्या कर देंगे, माइनस, और इस पर डबल टेक कर देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर, रेंट रिसीवेबल इज 500 पर मंथ, रेंट रिसीवेबल 500 पर मंथ था, 500 पर मंथ था ना, बस ये कहा ना इसने, तो इसका मतलब है 500 पर मंथ का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 12। आंसर कितना मिलना चाहिए था आपको, 6000, 6000 मिलना चाहिए ना। अब क्वेश्चन में चेक करें रेंट रिसीवेबल आपको कितने का मिला है, 7000 का, इसका मतलब है आपको 1000 एक्स्ट्रा मिल गया, 1000 जो आपको एक्स्ट्रा मिल गया, तो 7000 में से आप पहले इसमें से क्या माइनस कर देंगे, 7000 में से आप 6000 माइनस कर देंगे, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1000। वो जो 1000 है वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए इनकम है या लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, ये आपके लिए लाइबिलिटी हो गई, आपने इनकम पहले से जनरेट कर दी। अब सर क्वेश्चन को और सुने, आगे लिखा हुआ वेजेस 1440 आउटस्टैंडिंग, तो मैंने सर आके यहाँ पे देखा वेजेस, वेजेस की वैल्यू सर आपके पास ये रहा वेजेस एंड सैलरीज, यहाँ पे आके आप लिखेंगे 1440, 1440, सर इसको माइनस कर देंगे, आंसर चेक करें 34640 माइनस 1440, अक्रूड है या प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग अक्रूड है, प्लस कर दें 36080। आगे बढ़े सर क्वेश्चन में चेक करें, ये एंट्री कोई पढ़ के समझाए, हेट इसने डिलीवरी वीक है इन जनवरी में उसने क्या किया है, बेचा है, कितने का बेचा है, 1350, इन अ लॉस ऑफ 1350 शोन इन बैलेंस हिज ओनली डिलीवरी व्हीकल, हाँ एक ही थी और वो बेच दी। यहाँ देखो पहले तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से पहले सर हमने यहाँ लॉस ऑन डिलीवरी व्हीकल पढ़ा था, वो कितना था, 1350। क्वेश्चन में चेक करें क्या सर हमारे पास डिलीवरी व्हीकल की कोई वैल्यू भी गिवन है इसके अंदर, नहीं, तो इसका मतलब इसीलिए डिलीवरी व्हीकल की वैल्यू नहीं गिवन है क्योंकि ओनली व्हीकल था, अब वो बिक चुका है तो बचा ही कुछ नहीं, जब बचा ही कुछ नहीं तो डेप्रिसिएशन भी कुछ नहीं चार्ज होगा। तो सर आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि उसका लॉस यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है, शोन इन द बैलेंस ऑफ 31 दिसंबर 31 जनवरी 2020 लॉस ऑन डिस्पोजल, डिलीवरी व्हीकल नहीं, उसने ये बताया कि डिलीवरी व्हीकल जिसपे आपको लॉस हो रहा है उसकी डेप्रिसिएशन नहीं निकालनी है, क्यों, क्योंकि वो एक ही व्हीकल वो बिक चुकी, जब डिलीवरी व्हीकल ही बिक चुकी तो उस पर डेप्रिसिएशन का आपको तसव्वुर ही नहीं रहा। हाँ वो समझ लो ऐसा ही, लेकिन
रेंट में तो ये आना चाहिए ना, लॉट ऑन डिस्पोजल और डिलीवरी व्हीकल हुआ, तो डिलीवरी व्हीकल कहाँ है सर? अब लिखा हुआ है द बिजनेस पॉलिसी इज दिस, डेप्रिसिएशन पॉलिसी इज दिस, प्रेमिसेस को कितने परसेंट डेप्रिशिएट करना है? 2% पर आना। और सर फर्नीचर को कितने परसेंट डेप्रिशिएट करना है? 15% यूजिंग व्हाट? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है इनकम स्टेटमेंट बनानी है आपको, बना लेंगे इनकम स्टेटमेंट, मेरे साथ साथ स्टार्ट कीजिए सर इसकी सब। देखो ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बस सीधा जस्ट सीधा क्वेश्चन है, 30 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन है। इनकम स्टेटमेंट देखो बनवाएगा, फिर देखो आपसे क्या क्या पूछता है। सबसे पहले आ जाए सर क्वेश्चन के अंदर, आप सबसे पहली चीज जो यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे वो है सेल्स, सेल्स या रेवेन्यू जिसको हम कहते हैं। सर क्वेश्चन में आपके पास रेवेन्यू गिवन है 1,97,300 का, यहाँ आपके पास ये रहा रेवेन्यू गिवन, रेवेन्यू पे कोई एडजस्टमेंट हमने पढ़ी भी नहीं, तो रेवेन्यू की वैल्यू आप यहाँ लिख देंगे 1,97,300, 1,97,300 की वैल्यू लिख देंगे। फिर सर उसके बाद आपके पास सेल्स में से आप लेस कर देंगे, सेल्स में से आप लेस कर देंगे सर इसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपके पास क्या आएगा सर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपके पास आएगा ओपनिंग इन्वेंट्री, मैंने आके मेंशन किया सर आपके पास आएगा ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री के बाद आपके पास क्या आएगा सर? ओपनिंग इन्वेंट्री के बाद आएगा परचेजेस, फिर आपके पास सर क्या आएगा? फिर आपके पास आएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री, यहाँ तक सर मैंने यहाँ के लिखा। सर जवाब दीजिए ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी आएगी सर? ओपनिंग इन्वेंट्री सर क्वेश्चन में मैं पीछे गया, ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे पास गिवन है 12,310 लिखो, 12,310। परचेजेस की वैल्यू आप लिखेंगे ये 118,250,220 मगर ब्रैकेट में, क्यों ब्रैकेट में? क्योंकि इसके अंदर कैरेज इनवर्ड्स भी है और उसी में सर गुड्स की ड्रॉइंग भी है, गुड्स कितने के विड्रॉ हुए हैं? 910। अब आप चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो, चाहो तो एक साथ लिख सकते हो, सर मैं अलग अलग लिख देता हूँ इस बार। सर मैंने कहा परचेजेस, मैंने लिख दिया अच्छा परचेजेस, परचेजेस की एक्चुअल वैल्यू बताइए क्या गिवन थी? 118,220। सर उसमें से गुड्स की जो ड्रॉइंग है उसे आप माइनस कर देंगे, गुड्स की ड्रॉइंग है 910, मैंने यहाँ लिखा सर गुड्स की ड्रॉइंग आपके पास आ जाएगी 910 और कैरेज इनवर्ड्स क्वेश्चन में सबसे टॉप पे गिवन था, कैरेज इनवर्ड्स की वैल्यू गिवन है 2140, तो 2140 को सर आप इसमें प्लस कर लेंगे, यहाँ के मैंने लिखा 2140। ओपनिंग इन्वेंट्री कितने की गिवन है? 12,310। क्लोजिंग कितने की गिवन है? 13,480। परचेजेस निकाल लो, प्योर परचेजेस देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ मैंने परचेजेस एक वैल्यू 119,450। सर इसको माइनस कर दीजिए, आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा। आंसर निकाल लीजिए सर इसका 118,280। सर इसका आंसर आ रहा है आपके पास 118,280। सर ये वैल्यू लिख लीजिए। फिर सर इसके बाद आपके पास 79,020। सर हमारे पास इसका क्या आ जाएगा? इसके बाद हमारे पास आ जाएगा सर इसका ग्रॉस प्रॉफिट, हम यहाँ लिखेंगे सर इसका ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद सर आपके पास अब देखें एडजस्टमेंट्स आएंगे मजीद, और क्या एडजस्टमेंट आ सकती है सर इसके? सबसे पहले सर आप इसके अंदर लिखेंगे सर ऐड करेंगे अदर इनकम, तो सर हमने इसके अंदर आके लिखा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और ऐड कर देंगे सर हम इसके अंदर आके अदर इनकम। अच्छा अब इसके अंदर देखें क्या क्या इनकम्स हमारे पास मौजूद हैं। एक तो हमारे पास मौजूद है रेंट, रेंट रिसीवेबल क्वेश्चन में, हाँ, और हमारे पास गिवन है सर डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। एक दफा फिर नजर डाल देते हैं सर हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास सर सबसे पहले गिवन है सर इसके अंदर रेंट रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल की वैल्यू है 7,000, लेकिन हम इसमें कितनी लिखेंगे? 6,000, 7,000 में से 1,000 माइनस करेंगे। और फिर चेक करें सर हमारे पास और क्या वैल्यू गिवन है, और वैल्यू गिवन है डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सर आ जाए सबसे पहले यहाँ लिखते हैं रेंट रिसीवेबल की वैल्यू कितनी गिवन है, रेंट रिसीवेबल आएगा सर आपके पास 7,000 और उसमें से आप माइनस कर देंगे 1,000, 1,000 आपने जो है ना वो एक्स्ट्रा लिया हुआ है, उसका मतलब है टोटल आंसर आपका कितने का बन गया? 6,000। और डिक्रीज इन पीएफडीटी कैसे आएगा? पुरानी वैल्यू क्या है? 840, नई वैल्यू क्या है? 760। सर इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, आंसर कितने का आ जाएगा? 80। सर तो टोटल आंसर आपका कितने का बन गया? 6080। सर ये वैल्यू आ गई यहाँ पे, इन दोनों को प्लस करके भी लिख सकते हैं और सर बाद में भी प्लस कर सकते हैं, यहाँ तक लिख लीजिए।
डन सर, उसके बाद चेक करें। यहाँ तक अगर आपने ये वैल्यू लिख दी तो अब आप सर इसके अंदर से लेस करेंगे, लेस करेंगे आप इसके अंदर से कौन सा वर्ड लेस करेंगे, आप इसके अंदर से एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में देखें सबसे पहले तो आपके पास एक्सपेंसेस कौन कौन से फिर स्टार्ट से गिवन है। सबसे पहले आपके पास गिवन है सर एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग पे तो सबसे पहले ही एडजस्टमेंट गिवन है। एडवर्टाइजिंग की एक्चुअल वैल्यू पड़ी है सर, एडवर्टाइजिंग की यहाँ देखिए बोर्ड पे 4900, उसमें से आपने माइनस करना है 1950। वैल्यू लिख देते हैं सर यहाँ के, 4900 माइनस कर देंगे 1960, ऐसा ही है 1960 या 1950। सर आंसर बताइएगा इसका, 2950 सर इसका आंसर आ गया। एडवर्टाइजिंग के बाद आपके पास आएगा सर कैरेज आउटवर्ड्स, बिल्कुल ऐसा ही है। कैरेज आउटवर्ड्स की वैल्यू बताइएगा 1730 सर, वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, नहीं दिखा रहा पीछे से सर। उसके बाद यहाँ आ जाइए सर, आएगा आपके पास जनरल एक्सपेंसेस, इसमें एडजस्टमेंट है। जनरल एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट चेक कीजिएगा, जनरल एक्सपेंसेस में वो आपसे कुछ बोल रहा था मुझे याद है, नहीं है जनरल एक्सपेंसेस के कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जनरल एक्सपेंसेस की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है सर, 13450। तो सर आप यहाँ लिखेंगे आके वैल्यू आ जाएगी आपके पास 13450। फिर आगे बढ़े सर क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपके पास गिवन है सर इरिकवरेबल डेट, और वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास 670, प्लस आप कर देंगे उसके अंदर 380। सर यहाँ के वैल्यू मैंने लिखी 670, प्लस कर देंगे सर आप इसके अंदर वैल्यू 380, तो दोनों को प्लस कर दीजिए, आंसर बताइए क्या आ रहा है। दिस इज नोन एज वॉट, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सर बैड डेट्स, है ना। सर अमाउंट बताइए कितने का, 1050 सर ये आंसर आ गया। उसके बाद चेक करें सर बैड डेट्स के बाद क्या चीज़ है, हाँ क्वेश्चन में ही गिवन है सर, लॉस ऑन डिस्पोजल क्वेश्चन में गिवन है और एडजस्टमेंट में भी गिवन है। लॉस ऑन डिस्पोजल है सर आपके पास 1350, ये लॉस ऑन डिस्पोजल आ गया। फिर सर आगे बढ़ें, लॉस ऑन डिस्पोजल के बाद क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्रेमिसेस, फिर प्रेमिसेस की डेप्रिसिएशन, फिर सारी चीज़ें, फिर वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज पे एडजस्टमेंट है 34640 प्लस 1440, आंसर आएगा 36080। मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, ब्रैकेट वाली वैल्यू बता दीजिएगा मुझे 36080, ब्रैकेट में बताएं क्या लिखना है, 34640 प्लस 1440, इसका नाम सर लिखेंगे वेजेस एंड सैलरीज। सर यहाँ तक ये आंसर आ गया, आगे बढ़ेगा कोई बच्चा, कोई और बात बताएं। फिर आएगा डेप्रिसिएशन, सर डेप्रिसिएशन के अंदर सबसे पहली चीज़ जो आपके पास गिवन है वो गिवन है 2% स्ट्रेट लाइन ऑन प्रेमिसेस, प्रेमिसेस की वैल्यू कितनी है, प्रेमिसेस की वैल्यू है 360, 360 का 2% निकाल लीजिए 7200, सर इसकी वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, इसकी वैल्यू आ गई सर 7200, 7200 सर डेप्रिसिएशन मैंने निकाला ऑन प्रेमिसेस। जवाब दीजिएगा सर, दूसरा एसेट कौन सा है डेप्रिसिएशन ऑन, इक्विपमेंट है सर, इक्विपमेंट की कॉस्ट बताइए। एटीन 973 00, क्योंकि ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, मल्टीप्लाई बाय रेट करेंगे आप इसको, कितने परसेंट है सर 15%, सर 15% से सर आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर बताइए। सर इसका आंसर आ गया आपके पास यहाँ पर 1740, 1740। सर मैंने फिर एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ की, सर जवाब दीजिए इन सबको, प्लस कर लें फिर आंसर निकालिए। सिक्स 4550 सर इसको माइनस कर दीजिए ऊपर की दोनों फिगर्स को ऐड करके, तो आपके पास इवेंचुअली सर इसका प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। ट्वेंटी फाइव फाइव जीरो सर ये आंसर आ गया इसका। डन, आगे काम करें।
वर्किंग पे मैं अभी 30 नहीं है, अभी तो पहला पार्ट हुआ है। हाँ अभी बहुत सारी चीज़ें आपको बनानी है, हम साथ साथ काम कर रहे हैं उसके। देखें मैंने जानबूझ के वो क्वेश्चन उठाया जिसमें सोल ट्रेडर के साथ जो है ना पास पे आपकी बेसिक अकाउंटिंग की कुछ चीज़ें रिवाइज हों। देखें सर अब जो पार्ट पूछा है वो देखें, वर्किंग तो निकल गई सर। प्रिपेयर द रेंट रिसीवेबल अकाउंट। सर रेंट रिसीवेबल अकाउंट में हमें 7,000 की वैल्यू के मिलती है। हाँ जी वर्किंग ना करें, करनी तो पड़ेगी। नहीं तो वो तो हमने इसलिए किया, हमने ऊपर ही कर दी ना उसके, आप यहाँ कर दोगे वर्किंग। और डेप्रिसिएशन कहाँ वर्किंग करके दिखाओगे ये? अच्छा ज़रूरी नहीं है कि तुम इसको फिल करो, ज़रूरी ये कि यहाँ वर्किंग हुई भी हो, और अगर यहाँ नहीं हुई भी ना तो फिर वर्किंग वहाँ होगी सामने जहाँ वर्किंग का बॉक्स है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी के अंदर सब कुछ वर्किंग के बॉक्स के अंदर सब लिखें, आप यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आप चलें सर यहाँ आ जाए रेंट पे। सबसे पहले तो एक बात बताइए, रेंट रिसीवेबल का अकाउंट है, रेंट रिसीवेबल के अकाउंट का जो बैलेंस है उसे मैं क्रेडिट साइड पे पहले लिखूँ या डेबिट साइड पे लिखूँ? रिसीवेबल है ना, वर्ड रिसीवेबल एसेट को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे आके सर क्या, सबसे पहले आप लिखेंगे रेंट रिसीवेबल है। रेंट रिसीवेबल है मतलब रेंट मिलना बाकी होगा, रेंट रिसीवेबल। तो कितना अमाउंट है सर रेंट रिसीवेबल का? रेंट रिसीवेबल का अमाउंट है सर कितने का? 7,000 का। रेंट रिसीवेबल आप इसको यहीं लिखेंगे ना। अब सर इनकम स्टेटमेंट में कितनी चार्ज होनी चाहिए, कुछ सही गलत करेंगे तो देखेंगे। इनकम स्टेटमेंट में चार्ज होना चाहिए था 6,000। जवाब दें, अगर इनकम स्टेटमेंट में 6,000 चार्ज होना चाहिए था तो हमें ये क्या पता चला कि कितना भी बाकी है? कुछ गड़बड़ है ना इसमें, इनकम होगी ना, इनकम का बीडी तो इस साइड आएगा, ये तो ठीक है। ओपनिंग वैल्यू पे जरा सोचो, ओपनिंग गलत है तो ओपनिंग क्यों गलत है? सही है, ओपनिंग गलत क्यों गलत जगह पे लिखी हुई है? एसेट का आईएस, एसेट का आईएस नहीं है, इनकम का आईएस। इनकम के जरिए आएगा ना, पीएफडीडी में इनकम होता है तो किस तरफ लिखते हैं? इस तरफ ना, पीएफडीडी से याद रखो ना ये बात, ये कभी मत भूल जाना भाई, सब तबाह हो जाएगा क्वेश्चन में। पीएफडीडी का अकाउंट बना, आईएस इधर आया तो एक्सपेंस, आईएस इधर आया तो क्या होता है? इनकम है ना। हाँ ना हमजा बोलो, तो ये जो इनकम है ये यहीं आएगी ना इनकम। अच्छा अब मेरी बात सुनो सर, बैलेंस बीडी यहाँ नहीं आएगा, बैलेंस बीडी आएगा सर यहाँ पे। अब वजह सुनो, वजह सुनो, वजह ये है सर, ये इनकम है, इनकम पे जो रूल अप्लाइड होता है वो क्या होता है? ए पी पी ए। तो इनमें ये दोनों एसेट होते हैं, अक्रूड और अक्रूड, तो आपके लिए एसेट होता है। ये जो पी और पी है ना ये लाइबिलिटी है, मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा अब लाइबिलिटी को अगर मैंने इधर रखा ना तो इससे मुझे देखें फायदा क्या हुआ, 7,000 मैंने इधर रखा, 6,000 मुझे इनकम में डालना था, रिसीव हो गया। अब जवाब दीजिए, अब जो बचा वो कितना है? 1,000। सर अब यहाँ देखिए, 1,000 मैंने ऑलरेडी पे किया हुआ, ऐसा ही ना, प्रीपेड का सीडी होगा, तो इसका मतलब है सर ये मैंने क्या किया हुआ, ये मैंने एक्स्ट्रा पे किया। अच्छा ये अगर मैंने एक्स्ट्रा पे किया हुआ है तो सर यहाँ पे मैं इसको क्या लिखूंगा, लाके यहाँ लिखूंगा सर मैं आके इसको सीडी। ये जो सीडी है सर गौर से देखिए, ये सीडी मेरे लिए एसेट है या लाइबिलिटी? सर ये मेरे लिए लाइबिलिटी, इनकम मैंने पहले से रिसीव कर ली। आ रही है बात समझ में? इनकम मैंने पहले से रिसीव कर ली। सर अब जवाब दें, जब मैं इसको क्लोज करूंगा तो दोनों तरफ मेरे पास क्या आएगा सर? 7,000। यहाँ पे भी क्या आएगा सर मेरे पास इसके? 7,000। ये अकाउंट बना लीजिए, कितना होना चाहिए? दोबारा से चेक करो, एडवर्टाइजमेंट सही है? 6,079,020 सही है? सारी वैल्यू सही है? 7,920, 7,920 में 8,060,80 को प्लस करो, 64,450 है एक्सपेंस। अच्छा कैलकुलेशन में अलग है सर, ये 6,5,550 है, 4 नहीं है, करेक्ट कर लें सर इसको, बोलते ना आंसर क्या आ रहा है?
यही आंसर है, चेक करो अब सही है, यानी हमने सही किया था, कैलकुलेशन एरर था ना। अब सुनो मेरी बात सुनो, ये चेक कर लो रेंट का अकाउंट सही बना है सर। यहाँ देखें सर क्या जवाब दीजिए, 6000 पे एक मार्क होगा और 1 पे एक मार्क होगा। सी डी है, सी डी हाँ देखो पहले मैं बात समझा रहा हूँ। बैलेंस यहाँ पे क्या लिखा है उसने, हाँ पहले तो मेरी बात सुनो, सही है कर लिया काम, कितने लोग हैं ये समझ रहे हैं, सही है मैं पूछ रहा हूँ, ये सही है, सही है कुछ मसला है? मैं आपको बता सकता हूँ मसला, देखो ये एस है, इसको ना डायरेक्ट किसी चीज को सॉल्व करने के नतीजे पे मत पहुंचना जब तक उसकी, गौर से देखो इसमें कब तक क्या बात होगी। लिखा है रेंट रिसीवेबल इज 500 पर मंथ ना, इसका मतलब है पूरे साल का कितना है, 6000। अब जरा मेरी बात सुनो, पूरे साल का 6000 ना, तो पूरे साल में कुछ ना कुछ तो पे किया होगा, पूरे साल में कुछ ना कुछ तो पे किया होगा। अब जरा मेरी बात सुनो, एक दफा रेंट रिसीवेबल के अकाउंट को ना एडजस्ट करना सीखो, गौर से देखो मैं क्या कह रहा हूँ। ये मैंने सर यहाँ से उड़ा दिया, ठीक है पहले तो मैं काम करूं सर, मुझे कोई बोल रहा है कि रेंट रिसीवेबल का आंसर ये, तो मैंने लिखा 500 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12, जो भी आंसर आना है ना उसने यहाँ जाना है, ठीक है ये तो आईएएस बन गया। एक बात तो ये कि ये इनकम का अकाउंट है, अभी मैं ओपनिंग वैल्यू ना या बैंक की वैल्यू डिसाइड करता हूँ। जब आपने क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस क्या बोल रहा है, आपने कितनी वैल्यू रखी हुई है, 7000, 7000 में से पहले मैंने क्या माइनस कर दिया, 6000, तो जवाब दीजिए क्या 1000, 1000 मेरा एसेट हुआ या लाइबिलिटी हुआ, हाँ मैं इसीलिए सवाल पूछा, मैं कह रहा हूँ आपने रेंट रिसीव कर लिया 7000 और आपको रेंट रिसीव करना चाहिए था 6000, तो क्या ये जो 1000 आपने एक्स्ट्रा रिसीव कर लिया है ये आपके लिए एसेट है या लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, क्या ये आपके लिए लाइबिलिटी, ये अनअर्नड रेंट है सर, इसका मतलब है सर यहाँ तो हम लिख देंगे आगे 1000। अब जरा दिमाग लगाना मैं क्या कह रहा हूँ सर, हर दफा हर केस में जो ट्रायल बैलेंस होता है उसमें जो कुछ भी गिवन होता है वो बीडी होता है या सीडी होता है, ऐसा ही होता है ना, बीडी होता है या सीडी होता है, सरप्राइज 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 द ग्रेट सरप्राइज। क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन पढ़े, हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज बुक्स, ट्रायल बैलेंस से एक्सट्रैक्ट ही नहीं किया, समझ रहे हो बात को, दिस इज ए लेवल, वेलकम टू ए लेवल, फ्रॉम हिज बुक्स, आ रही है बात समझ में, फ्रॉम हिज बुक्स, उसने उसके कहीं से भी डाटा वेटा एक्सट्रैक्ट करके आपको पकड़ा है, ट्रायल बैलेंस नहीं है, वैसे भी दो जगह लिखा हुआ था, ये भी एक बात है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसने ट्रायल बैलेंस से पिकअप किया या फ्रॉम द बुक्स, फ्रॉम द बुक्स सर, अगर उसने बुक से पिकअप किया है तो कम से कम आपको तो ये बात पता होनी चाहिए, सुने वो क्या, साल में कुछ तो पे हुआ होगा, साल में अगर पे हुआ होगा तो इसका मतलब है सर वो जो पे हुआ होगा वो बैंक में आएगा, आएगा ना बैंक में, तो उसका मतलब है 1000 और 6000 को ऐड करेंगे तो बैंक में कितनी वैल्यू आएगी, 7000, इसका मतलब है ओपनिंग वैल्यू कोई नहीं थी, आई कुछ कुछ बात समझ, ओपनिंग वैल्यू की बात ही नहीं कर रहा, अगर ओपनिंग वैल्यू की बात करता तो मैं ट्रायल बैलेंस की बात करता, क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस नहीं गिवन है, इसने 1000 को और 6000 को ऐड करके इसकी बैंक की वैल्यू निकाली 7000, बात क्लियर हुई है, बात क्लियर है। अच्छा अब पहले तो कॉपी कर लो, अब मार्क्स की बात करें, मार्क्स भी बड़ा इसने कमाल का दिया हुआ होगा, चेक कीजिएगा आपको एक मार्क वो दे रहा होगा किसके ऊपर, एक मार्क दे रहा होगा 7000, चेक करें, क्योंकि ये फिगर गिवन है, ये 1000 वाली फिगर भी पिछले वाले पार्ट से निकल के आ गई, चेक करें सर आपको एक और, एक और मार्क किस चीज के ऊपर दे रहा है, एक मार्क दे रहा है आपको बैंक पे, हमजा एक दे रहा है बैंक पे और एक किस पे दे रहा है, बीडी कहां से है, नेक्स्ट ईयर का, देख रहे हो सर बीडी पे उसने मार्क्स दे दिए, यानी आप, हम सब ये समझते हैं बीडी बेकार है, उसने क्या किया इस बैलेंस ब्रॉड डाउन को, जब बच्चे ने बैलेंस ब्रॉड डाउन करके दिखाया और कितना बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो यहाँ पे एक मार्क मिला, तो बीडी जरूर करें, मार्क है भाई आप करके आ जाओगे, आपने अकाउंट तो सही बनाया, अब जब आप ये काम करेंगे तो है आपके लिए टू आउट, बात समझ में आई है, तो ये भी देखना है सर इन्फॉर्मेशन कहाँ से दी जा रही है, इन्फॉर्मेशन किस अकाउंट की है, ये जो छोटे छोटे वाले क्वेश्चन होते हैं ना यही ट्रिकी होते हैं, बड़ी बड़ी चीजें तो बच्चा कर लेता है, इनकम स्टेटमेंट बना लेता है, अब हाँ जी सही है, अब देखें सर लिखा हुआ है प्रिपेयर अ जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट ऑफ द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इंक्रीज है या डिक्रीज है, चलो
है सर, बिल्कुल इसके लिए तो जरा भी रिस्क मत लीजिएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का आईएस इधर आता है, तो ये डिक्रीज हो गया। तो सर हम क्या करेंगे, हम जवाब देंगे सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डेबिट कर देंगे, इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट कितना लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे सर आप उसके अंदर कितना, 80। डन, आगे बढ़े। ये तो बहुत आसान था, चेक भी कर लो, 1 मार्क आपको वो यहाँ दे रहा होगा, नहीं, चेक करो, 1 मार्क आपको यहाँ दे रहा होगा, 1 मार्क यहाँ दे रहा होगा, देखो क्या कंपाउंड मार्क्स तो नहीं दे रहा, दो पूरी एंट्री के सही होने पे दो तो नहीं दे रहा, वन वन पे दे रहा है। अच्छा कभी कभी बड़े कोई मनहूस होते हैं सर, दोनों को मिला के दो देते हैं, कभी टू ऑफ कर देंगे, ये कभी कभी कर देंगे, वो देखिएगा सही है अभी तो। फिर लिखा है के इंटेंड्स टू परचेज अ न्यू डिलीवरी व्हीकल, ही इज नॉट श्योर वेदर द डिलीवरी व्हीकल शुड बी डेप्रिशिएटेड यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, एक्सप्लेन द रीजन फॉर रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन इन बिजनेस ऑफ इनकम स्टेटमेंट। क्यों, इफ हाँ अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट एसेट शुड नेवर बी ओवर स्टेटेड, एंड दोनों लिखें, अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट एसेट शुड नेवर बी ओवर स्टेटेड एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस शुड ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एंड अकॉर्डिंग टू मैचिंग प्रिंसिपल रेवेन्यू ऑफ द ईयर शुड मैच द एक्सपेंस ऑफ द ईयर। सर इन दोनों पे आपको, आपको प्रूडेंस पे 1 मार्क मिलेगा, आपको मैचिंग प्रिंसिपल पे 1 मार्क मिलेगा, ये बात आप यहाँ करेंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे हेडिंग डाल के लिख रहा हूँ, आपने एक्सप्लेन करना है प्रूडेंस को, और आपने एक्सप्लेन करना है सर किसको, आपने एक्सप्लेन करना है सर मैचिंग प्रिंसिपल को। अब इतनी बार लिख चुके हो यार, इस पे टाइम मत जाया करो, एक्सप्लेन द रीजन है ना, नहीं नहीं तुम समझे नहीं, एक्सप्लेन द रीजन फॉर रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, रीजन फॉर, देयर कैन बी लाइक मल्टीपल रीजन, मार्क्स पे जा रहे हैं हम तो, 2 मार्क्स ना, 2 कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए मैं, हालांकि हमने प्रूडेंस में ही 2 पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए, एसेट शुड नेवर बी ओवरस्टेटेड एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड, वो दोनों पॉइंट्स आपको मार्क्स दिलवाएंगे। मैं तो उससे भी खतरनाक बात लिखवा सकता हूँ, आपको लिखवा दूँ, A2 वाली बात लिखवा दूँ, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट विल बी रिकॉर्डेड इन इनकम स्टेटमेंट सो दैट द प्रॉफिट ऑफ द ईयर शुड नेवर शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड, ये बात भी आप लिख सकते, लेकिन ये A2 के लिए सही है, AS के लिए तो सर आप प्रूडेंस और मैचिंग प्रिंसिपल ही डिफाइन कर लो, नॉन नॉन कैश एक्सपेंस है, इट विल बी रिकॉर्डेड सो दैट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस शुड नेवर बी ओवरस्टेटेड, ओवरस्टेटेड नहीं होनी चाहिए, ये भी लिख सकते हैं। स्टेट वन बेनिफिट ऑफ यूजिंग, अबे यार ये क्या क्वेश्चन है AS में, स्ट्रेट लाइन मेथड का फायदा बताएं, व्हाट इज द फायदा, इट इज इजी टू कैलकुलेट, पहला बच्चों वाला लिख लें सर, इट इज इजी टू कैलकुलेट, RBM में फंस जाओगे, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ RBM, हाँ सही बात है सर, इट इज क्लोजर टू, इट इज कहना चाहिए इट इज मोर रियलिस्टिक, इट इज मोर रियलिस्टिक, या तुम्हारी बात कर लेते हैं, इट इज मोर क्लोजर टू, मोर क्लोजर टू क्या, मार्केट वैल्यू। एक बात और भी लिख सकते हैं, पता है बेनिफिट अजीब सा है मगर है, MS खोलना कोई तो नजर आएगा, RSLM is accepted in IL, अजीब सी बात है लेकिन, यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड SLM स्ट्रेट लाइन मेथड को एक्सेप्ट करता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, तो लाइक एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ दीज टू मेथड्स आर फ्रॉम व्हाट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंसानों का बनाया हुआ नहीं है, दुनिया में 7 तरह के मेथड हैं डेप्रिसिएशन के, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, RD मेथड, प्रोडक्शन मेथड, ये वो बहुत सारे, ये मेथड्स दोनों के दोनों इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या किए जाते हैं, एक्सेप्ट किए जाते हैं। अच्छा अब आता हूं मैं खाली रिड्यूसिंग पे, ये सुन लो काम की बात है, हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ना स्टेट की अथॉरिटीज भी एक्सेप्ट करती हैं, अगर आपने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे चीज को डेप्रिशिएट किया हुआ तो टैक्सेशन डिपार्टमेंट आपका FBR हो गया या कोई भी आपका रेवेन्यू फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो उसको एक्सेप्ट करेगा, बल्कि वो कहते ही हैं कि आप सारा अपना इनकम स्टेटमेंट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे कन्वर्ट करके ले आओ। तो सर ये इंपॉर्टेंट हो गया सर, आगे बढ़े सर, केन इज कंसर्न अबाउट द डिक्लाइन इन द बिजनेस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी क्या लिखा हुआ है, हाँ वही तो लिखा है, इट इज मोर रियलिस्टिक, मोर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एसेट्स वैल्यू ना, मोर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एसेट्स वैल्यू, यूज़ शुरू में जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे ज्यादा डेप्रिशिएट होगा, बाद में जितना कम इस्तेमाल करेंगे कम डेप्रिशिएट होगा, आप ये लिख दो, इन अर्ली ईयर्स डेप्रिसिएशन इज हायर एंड इन लेटर ईयर्स डेप्रिसिएशन इन ईयर डेप्रिसिएशन इज लेसर, सो द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इज मोर क्लोज टू व्हाट द यूसेज ऑफ एन एसेट। सर आगे लिखा हुआ है के इज कंसर्न अबाउट द डिक्लाइन इन द बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी इज कंसीडरिंग टू ऑप्शंस, ऑप्शन 1
डिक्रीज द अमाउंट स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट वाइल ऑल्सो रिड्यूसिंग द सेलिंग बाय द स्मॉल अमाउंट वाइल ऑल्सो रिड्यूसिंग द सेलिंग प्राइस बाय अ स्मॉल अमाउंट परचेज गुड्स फ्रॉम द चीपर सप्लायर्स एडवाइस के विच ऑप्शन शुड ही चूज जस्टिफाई योर एडवाइस बाय डिस्कसिंग बोथ ऑप्शन दोनों ऑप्शन को डिस्कस करना है आपने सबसे पहले डिक्लाइन इन द अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग ओवर एडवर्टाइजमेंट सर अगर मैं एडवर्टाइजमेंट पे कम कर दूंगा बजट को कट ऑफ करूंगा तो जवाब में उससे मेरी क्या सेल्स इफेक्ट हो सकती है इन वॉल्यूम सेल्स मेरी कम हो सकती है अच्छा एडवर्टाइजमेंट से खाली सेल्स को अफेक्ट नहीं पड़ता कंज्यूमर अवेयरनेस को भी फर्क पड़ता तो कस्टमर अवेयरनेस भी आपकी क्या होती जाएगी डिक्लाइन होगी अच्छा तो इसका मतलब है सर जो एडवर्टाइजमेंट पे आप पैसा खर्च कर रहे हैं अभी अगर कर रहे हैं और अगर वो पैसा इफेक्टिव है वो जनरेट करके लाता है सेल्स तो जितने अमाउंट से ये पैसा जनरेट करके लाता है उतने ही अमाउंट से आपकी क्या हो जाएगी आपकी आप अभी पढ़ोगे A2 में आके उसका नाम है इकोनॉमिक्स में प्रमोशनल इलास्टिसिटी प्रमोशनल इलास्टिसिटी इसी चीज को कहते हैं जितना एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड होता है उतना ही रिस्पॉन्स उसका डिमांड का क्या होता है बढ़ता जाता है तो जितना आप स्पेंड करते हैं उतनी डिमांड बढ़ती है ये भी एक रूल है तो हम कह रहे हैं कि डिक्लाइन इन द स्पेंडिंग ओवर एडवर्टाइजमेंट तो सर हो सकता है इट मे हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन सेल्स वॉल्यूम विल फॉल और कोई बात मैंने एडवर्टाइजमेंट को कम कर दिया इससे क्या होगा कम करने से हाँ सेल्स वॉल्यूम कम हो जाएगा बट हो सकता है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस क्या हो जाए वो इंक्रीज कर जाए ये बात हो सकती है अब क्या कह रहा है डिक्रीजिंग द वाइल ऑल्सो रिड्यूसिंग द सेलिंग प्राइस तो सर जवाब दें अगर मैं किसी चीज की सेलिंग प्राइस भी कम कर दूं फिर मैं सर एडवर्टाइजमेंट भी कम कर दूं एडवर्टाइजमेंट के कम करने से मेरा वॉल्यूम इफेक्ट होगा सेलिंग प्राइस के कम करने से क्या होगा सर मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा और ये बात समझ लो क्या होगा क्यों बढ़ेगा प्राइस के कम करने से क्या होता है सर जवाब देना क्वांटिटी डिमांड क्या होता है इंक्रीज करती है तो इसका मतलब है सर मैं यहाँ लिखूं आगे प्रॉपर वर्ड यूज करूँ एएस में डिमांड मत लिख देना क्वांटिटी डिमांड पे आपके फर्क पड़ेगा डिमांड पे नहीं क्वांटिटी डिमांड द सेलिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस लेकिन अब मसला व्हाट टाइप ऑफ गुड इज दिस जो इसका बिजनेस है वो किस तरह के गुड्स बनाता है ये भी तो इम्पैक्ट है रिटेलर्स है ना तो रिटेलर्स वाले बिजनेसेस में यूजुअली कौन से गुड्स आते हैं सुपीरियर इंफीरियर या नॉर्मल सुपीरियर तो लग्जरी होती है इंफीरियर खराब वाले होते हैं नॉर्मल गुड्स तो नॉर्मल गुड्स की अगर आप प्राइस थोड़ी सी भी चेंज कर दें तो लोग ऑल्टरनेट पर स्विच करते हैं तो आप ये बात पूरी लिखेंगे भाई एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कम कर लूंगा हाँ ऐसा हो सकता है सेलिंग प्राइस तो इसका मतलब है आपको ये भी डिस्कस करना चाहिए बॉस के आपका कंपटीशन कितना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो इसका मतलब है कंपटीशन पे भी बात करो अगर आपकी प्राइस कम करने से आप कंपटीशन में नीचे आते हैं अगर आप अपने कंपेटिटर से प्राइस को स्लाइडली नीचे ले आते हैं तब तो आपको डिमांड बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा हाँ फिर लेकिन कंपेटिटर नीचे करते प्राइस तो फिर आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ा उल्टा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो गई वो कम हो गई आ रही है बात समझ में वन साइड ये दूसरी साइड ये परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अ चीपर सप्लायर सही है सर आप चीपर सप्लायर से गुड खरीद लें पहली बात तो ये सप्लायर की क्वालिटी खराब हो गई दूसरी बात सप्लायर की सप्लाई करने की गुड्स की रिलायबिलिटी भी खराब हो गई तो हाँ अब लेकिन बात करते हैं सर किसकी परचेज ऑफ गुड्स सप्लायर बदलने का मतलब ये है आप लेस के चिप्स ही खरीद रहे हैं मगर एक वेंडर के बजाय दूसरे वेंडर से तो इसका मतलब है क्वालिटी ऑफ द गुड पे यूजुअली कोई फर्क नहीं पड़ेगा एज इट इज अ रिटेलिंग बिजनेस देर आर लाइक हायर चांसेस द क्वालिटी ऑफ द गुड मे नॉट बी कॉम्प्रोमाइज हाउएवर द रिलायबिलिटी ऑफ द सप्लायर मे बी अफेक्टेड वो तो हो सकता है गुड्स की सप्लायर पे एक प्रॉब्लम आ सकती है मगर सर जो लोग आपको सस्ते गुड्स आज दे रहे हैं क्या लॉन्ग रन में हमेशा आपको सस्ते गुड्स देंगे तो ये भी नहीं पता कि वो कब तक ऐसा करेगा इसको भी इस इम्पैक्ट को भी देखिए मार्केटिंग स्कीम खोली सही है सारे यही है सही है अब लेकिन मसला ये मार्क्स देखिए ओए होए मार्क्स तो 7 है मैं आपको एक बात बताऊं कि थ्रो कैसे हो रहा है ऑप्शन 1 को डिस्कस करोगे 3 मार्क्स मिलेंगे ऑप्शन 2 को डिस्कस करोगे 3 मार्क्स मिलेंगे और फिर जस्टिफाई करोगे आप कौन सी चीज पे जाते हैं जस्टिफिकेशन के आपको 1 मार्क मिलेगा आपको कौन सा लगता है बेटर है हाँ डिग्रीज वाला मेरे लिहाज से भी डिग्रीज वाला बेटर है सर आप बोलोगे ऐसा क्यों ज्यादा प्रॉफिट के पीछे मत जाना
प्रॉफिट कम भी होने दो कोई बात नहीं, बिकॉज इट्स इन योर कंट्रोल। आप सप्लायर पे डिपेंडेंट काम कर दोगे ना, फैसला ले लोगे, तो सप्लायर कंट्रोल में आ जाओगे। ऊपर वाले में ऑप्शन वन में आज एडवर्टाइजमेंट कम कर रहे हो तो कल को एडवर्टाइजमेंट बढ़ा भी सकते हो, कल को अपनी और लेकिन आज सप्लायर बदल लोगे तो पुराना सप्लायर अपनी रिलेशनशिप खराब कर चुके हो, वो वापस नहीं आएगा, और अगर आएगा ना तो बॉम्ब प्राइस के साथ आएगा, वो अपने फिर अपनी हरकतें करता हुआ आएगा। अरे बात समझ में, आप अपनी मार्केट में रिलेशनशिप खराब नहीं करते, ये बहुत सॉलिड रीजन है इवैल्यूएशन में लिखने का, कि व्हेन वी वर्क इन एन इंडस्ट्री वेयर लाइक सैचुरेटेड मार्केट है, कम लोग हैं, कम सप्लायर्स हैं, यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू एक्चुअली बार्गेन विद योर सप्लायर। हाँ महंगा ही देगा, तो फिर आपको अच्छा हो सकता है दूसरा सप्लायर उसका छोटा भाई हो, दो भाइयों ने मिलकर एजेंसी ली हुई, वो तो आपको तबाह कर देंगे। कभी भी एक्सटर्नली कंट्रोल नहीं छोड़ते, हमेशा इंटरनल कंट्रोल को छोड़ते हैं। अब मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी, थैंक यू वेरी मच। Thank you.